फ्रेंड्स, फरा देसी बेटी सीरीज में फरा आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपके लिए हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस लेकर आई हूँ, थर्ड एपिसोड लेकर आई हूँ। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट से रेसिपी की तरफ आते हैं। आज एक हॉट बेवरेज बना रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं मैं आज बना रही हूँ थिक एंड क्रीमी कोकोनट हॉट चॉकलेट। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। बट अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 कप मिल्क चाहिए हमें इसके लिए, 1/2 कप कोकोनट मिल्क, 1/2 कप चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है 1/2 कप कंडेंस मिल्क। ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये गार्निशिंग के लिए जाएगा। सॉल्ट 1 पिंच, 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब हम इसको बनाते हैं, चूल्हे की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। ओके व्यूअर्स, हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं, पतीली हमने चूल्हे के ऊपर रख दी है और अब हम सबसे पहले इसमें मिल्क डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारा हमने दूध इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इस वक्त इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको गर्म होने देंगे। साथ ही हम सब चीज़ें साथ डाल देंगे, साथ ही हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ठीक है, सारा कंडेंस मिल्क इसमें डालना है, इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा ये गर्म होता है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट। ओके व्यूअर्स, दूध हमारा गर्म हो चुका है, दूध और कोकोनट मिल्क और कंडेंस मिल्क। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट, ठीक है, आराम से, और इसी वक्त हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये मैं इससे डाल रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग हाफ नाप के डालिएगा, ठीक है, मुझे पता है कि इतनी होती है 1/2 टीस्पून। अभी हम इसको हल्की आंच पे मेल्ट होने के लिए इसमें रखेंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, जब तक हम चमचा चलाते रहेंगे, विस्क चलाते रहेंगे, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको ढक के 10 मिनट्स के लिए हम इसको मज़ीद हल्की आँच पर पकाएंगे, ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। ओके ओके व्यूअर्स, हम इसमें अब चुटकी भर नमक डालेंगे और इसको, मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट, इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाए। और ओके व्यूअर्स, अब मैंने दूसरा सॉस पैन चूल्हे के ऊपर रखा है और जो डेसिकेटेड कोकोनट था उसको मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी और ड्राई रोस्ट करेंगे हम, ठीक है। हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, लाइट लाइट कलर इसका चेंज होने लगा है, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि बस हल्का सा कलर इसका तब्दील हो, देख सकते हैं हम लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर होने लग रहा है, तो हम इसको इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको बहुत एहतियात से आप रोस्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए ना बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, बहुत हल्की आंच पे, बल्कि एक बार चूल्हा पतीला गर्म करके, बर्तन गर्म करके आपने, उसके बाद इसमें चूल्हा बंद करके फिर आपने कोकोनट ऐड करना है। देखिए, ये पतीली गर्म है मेरी और ये मैं, ये हो गया है। ओके व्यूअर्स, ये क्रीमी हॉट चॉकलेट, कोकोनट हॉट चॉकलेट तैयार हो चुका है, उबल रहा है, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और थोड़ी देर में आपके सामने डिश आउट करते हैं इसको। क्रीमी कोकोनट हॉट चॉकलेट तैयार हो चुकी है, मैंने इसको ग्लासेस में सर्व करा है, गर्म है ये, बट जो मैंने इसके ऊपर टोस्टेड डेसिकेटेड कोकोनट डाला था वो कहीं अंदर डूब चुका है। मैंने क्रीम से भी डेकोरेट किया है, वो भी अंदर बैठ रही है, तो आप चाहें तो थोड़ी देर रुक के डालेगा, लेकिन ये कि बस मुंह में आएगा ना जायका, आप समझ जाएंगे कि अच्छा बना है। यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने डाला है, वो सब उसमें जर्ब कर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली, फिर मुँह में आएगा ज़्यादा कोकोनट, तो इतना अच्छा नहीं लगता, गले में लगता है। तो इसको आप बनाइएगा, बहुत ही मज़े का है, और मैं पी के अभी नहीं दिखा रही क्योंकि गर्म है ये, थोड़ी सी देर से पीऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।